है ना। आज इस चुनाव के बाद बीट दिवाकिशुन शहीद ग्राम मातकुंबेड़ा इस गांव में आज के उद्घाटन विभिन्न योजना का शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण इस समारोह में हमारा गठबंधन सरकार के लोकप्रिय मंत्री सुक्तानाथ भोक्ता जी, लोकप्रिय मंत्री दीपक बिरुआ जी, इसको लान प्रमोशन के आयुक्त, इस जिला के डीसी साहब, एसपी साहब और पदाधिकारीगण, इस समारोह में सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारी ओर से जोहार। तेंजा बीट दिवाकिशुन नवा अखड़ा मातकुंबेड़ा अतुरे जाग पे शोहर से टेरकन माझी गमके को प्राइनिक को गोडेत को बोया को मिशी को फूल करिया गाते को सनाम को आप इठे नालिया लहाते जोहार। आज लंबा समय हम लोग चुनाव में व्यस्त थे और 2019 से आज तक जो 5 साल के लिए सरकार हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग गठन किया था, ये राज का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी ये बहुमत की सरकार है लेकिन कभी स्थिर से रहने नहीं दिया। बेवजह झूठा आरोप इसको लेके हर समय सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। आखिरकार 4 साल के अंदर वो लोग सफल रहा लेकिन हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। और मजबूत के चलते फिर से सरकार बना लेकिन एक युवा मुख्यमंत्री को झूठा आरोप से उन लोग जेल में पहुंचा दिया। आज झारखंड होके अलग होके 26 साल तक हुआ है लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लंबा समय तक झारखंड में राज किया है लेकिन न यहां के आदिवासी के लिए सोचा न यहां के मूलवासी के लिए, सिर्फ झूठ बोल के राजनीति किया है और यहां के आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम किया है। यह सरकार जो आप लोग 2019 में जनादेश दिया
महागठबंधन के पक्ष में आप लोग सरकार बनाने के लिए वोट जोनास जीत दिया। आज सरकार बनने के साथ 2 साल तक हम लोग कुछ नहीं काम किया जो कोरोना से प्रभावित था। 2 साल में बहुत सारी काम हम लोग किया, ऐसा ऐसा योजना जो जंगल का बीच में गांव, जो सराना जंगल का बीच गांव, उस गांव को भी हम लोग सरकारी योजना हम लोग देने का काम किया है। और इसलिए आज का प्रोग्राम यही है कि आज ये शहीद ग्राम है मातकुंबेड़ा, शहीद ग्राम का सभी परिवार का पक्का मकान, आदिवासी के साथ साथ मूलवासी का भी सभी पक्का मकान बनेगा और एक आदर्श शहीद गांव हम लोग निर्माण करने के लिए हम कदम उठा दिया है। जहां पर दरबार चट्टानी है उसमें आप लोग किस तरह से नुकसा देख सकते, उस तरह से बनेगा दरबार चट्टानी में जो डिवाड़ी कहता है, और वहीं से या 12 महीना इस गांव का खेत में पानी वहीं से लिफ्ट इरिगेशन ताकि मजबूती कैसे बनेगा, पूरा हर खेत हरियाली में नजर आएगा पूरा 12 महीना। ये शहीद ग्राम में कोई किसी तरह का कमी नहीं हो, इसीलिए चुनाव के बाद हमने पहला प्रोग्राम यहां देना शुरू किया है कि हम लोग शहीदों का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते, उनका प्रेरणा लेते हैं और इस शहीद गांव को हम लोग को आदर्श गांव जब तक नहीं बनाएंगे ये काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए इस गांव को सुधारना, इस गांव में नासापन नहीं होगा, इस गांव में अच्छा शिक्षक, अच्छा पढ़ाई, अच्छा संस्कार, ये गांव इसका लिए ही डीबा की सुनने जल जंगल जमीन अपना परंपरा अपना खेत खलियान के लिए ही उन लोग लड़ाई लड़े थे। यदि हम लोग डीबा का किसुन का आदर्श मानते हैं तो हम लोग ऐसा संस्कार हम लोग लाएंगे जो एक दूसरे से मानव की मानव बीच में कभी किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो। इस तरह के इस गांव को निर्माण करना है। इस गांव में हम ग्राम प्रधान यहाँ के माझी बाबा से इस गांव से अपील करना चाहूंगा, इस गांव में अच्छा संस्कार नासापन से दूर रहेगा और सभी बच्चों को शिक्षा और अपना परंपरा अपना संस्कार को बचाना है, अपना आवाज जो मादा टन है उसको बचाना है। ये आज इसको करने के लिए हम आए हैं। जब इस राज का दायित्व तो मुझे मिला और इस क्षेत्र से आप सबों ने बहुत हमको प्यार दिया है, बरसों से हमको आप लोग प्यार दिया है, इस सरायकेला खुरसवां से हमने एक ऐसा काम शुरुआत करने जा रहा है, पूरा इस राजनगर प्रखंड एक दिन कभी सुकार नहीं देखेगा, पूरा हर खेत कल्याण में 12 महीना खेती में पानी रहेगा, उसका योजना हमने तैयार करना शुरू कर दिया है। ये हम लोग का आज चुनाव में जो 2-3 महीना हम लोग गेप था, इसीलिए हम लोग इसी गांव से सरायकेला का इस मातकुंबेड़ा गांव से आज शुरुआत कर रहे हम लोग। इसलिए आज इसी तरह आज अब वह आवाज फिर से आने शुरुआत होगा कुछ दिन में, किसी तरह के चयन में गड़बड़ी नहीं हो वीडियो कार्यालय से या सीओ कार्यालय से, जिसको पहले मिलना चाहिए उसी को पहला सूची आना चाहिए,
नहीं तो अगर बिचौलिया माध्यम से किसी तरह का गड़बड़ी और विसंगति पैदा हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, कोई रुक नहीं सकता है। अब वह आवास में तीन कमरा के साथ साथ आप लोगों का बढ़िया शौचालय भी अटैच वहां पर रहेगा, ये सरकार ने निश्चित किया है, ताकि उसमें पानी का भी सुविधा हो। हम ऐसा हम लोग काम करने जा रहा है ताकि अब वह आवास सिर्फ नाम का नहीं रहे, देखने भी लगे कि अब वह आवास है और उस शौचालय भी शामिल है। खाना बनाने का किचन भी अलग रहेगा, तीन कमरा सोने का अलग रहेगा, एक बरामदा भी रहेगा, उसका बाद शौचालय अटैच रहेगा। ये झारखंड सरकार, आप जो इस सरकार को बनाने में 2019 में महामंत बाबू का नेतृत्व में आपने जनादेश दिया, ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी को ताकि कोई बेघर नहीं रहे और अच्छा मकान पक्का मकान में रहे, उसका साथ से उनका जीने का, यहाँ का आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही ये सरकार है। हम लोग भारत सरकार, हम लोग बहुत ठका है हम लोग को, इसीलिए हर उसका इंतजार हम लोग नहीं करना है। अपना बल पर झारखंड हम लोग लड़ के लिया है, अपना बल पर झारखंड के आदिवासी मलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा के लिए हर परिवार को अच्छा मकान हम लोग देंगे, तीन कमरा और शौचालय के साथ। इसी तरह आज योजना, जब हम सत्ता में आने के साथ ही 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया था, उसको संशोधन करते साथ हमने कुछ दिनों के भीतर में 200 यूनिट बिजली झारखंड में फ्री आप लोग उपयोग कीजिएगा, 200 यूनिट बिजली। जो भी यहां विसंगति है बिजली में, थोड़ा बहुत जो भी अलग बिल आया है उसका ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, और यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा सबका हम लोग जो गलत ढंग से किसी तरह से अगर बिजली बिल आया उसको माफ होगा, सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, ताकि कोई रोशनी से दूर नहीं रहे। उसी तरह का आज हम सरकार का सोच, ये झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, झारखंड में खनिज संपदा भरा हुआ है, झारखंड में सोना का खदान है, झारखंड में बारूद का भंडार है, जो आपको जादूगुड़ा यूसीएल जानते हैं, उधर तांबा का भी भंडार है, इधर चाय व सत्र लोहा पत्थर है, सराना जंगल है। इसलिए आज झारखंड में क्यों विकास नहीं हुआ, आदिवासी यहाँ का मूलवासी, यहाँ का गरीब गुरबा का, इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ का सारा विद्यार्थी को, ताकि हर विद्यार्थी, हर परिवार का, चाहे गरीब का मजदूर का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा बेटी हो, चाहे कोई भी गरीब तत्व का बेटा बेटी हो, सबको हम लोग पढ़ाने के लिए हर तरह की पैसा का मदद देने जा रहा है। कोई किसान का बेटा बेटी यदि इंजीनियर पढ़ने का इच्छा है, मेडिकल लॉ करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अगर उनका इच्छा है, उनका हर तरह का हम लोग मदद देने जा रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड 10 लाख चाहे 12 लाख चाहे, चाहे 13 लाख चाहे, चाहे 15 लाख, उस बच्चों को हम लोग पढ़ाने के लिए हम लोग देंगे, और जब तक वो नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, तब तक वो रिटर्न नहीं होगा, जॉब होने के बाद आस्ते आस्ते वापस करेगा।
ये सुविधा, इसलिए हर इलाक डिप्लोमा करने के लिए मान की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग लागू किया है। 15,000 से 30,000 तक उन लोग को मिलेगा। जितना ही प्राइमरी स्तर से सबका छात्रवृत्ति हम लोग बढ़ा दिया, ताकि हमारा विद्यार्थी पैसा के अभाव से पढ़ाई नहीं छोड़े। ये सोच है ये सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार का सोच है कोई भी विद्यार्थी पैसा का कमी चलते उसका पढ़ाई नहीं रुके। इस तरह का सोच के साथ ये सरकार, आपकी सरकार ये व्यवस्था किया है। उसका साथ साथ जो पिछले डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। ये सरकार आने के बाद आप जो जनादेश दिया 2019 में और सरकार बनी, उसका बाद हरा राशन कार्ड 20 लाख बनाया है, ये भी और उसको बढ़ा के हम लोग 25 लाख करने जा रहा है, ताकि झारखंड की यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा, ताकि कोई भूखा नहीं रहे सहे। उसका साथ हम लोग ये हम लोग सो निर्णय लिया, कानून बनाया है। हम लोग ये सरायकेला जिला पूरा उद्योग से भरा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में बड़ा बड़ा कंपनी है, निजी कंपनी है, हर कंपनी में 75% यहाँ का जो डिप्लोमा बीटेक किया है, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, उनका हर हालत में नौकरी देना होगा 75%। यहाँ का आदिवासी को देना है, यहाँ का मूलवासी को देना है। ये हम लोग शक्ति से भी अभियान के तहत चलाएंगे हम लोग और लागू करवाएंगे। उसी तरह आज जैसे हम लोग 50 साल से आगे महिला को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, ये सरकार 25 साल से 49 तक जितना ही महिला है सबको भी पेंशन दिया जाएगा अगले महीने से। उसका सहयोग करेंगे हम लोग, ताकि वो अपना परिवार, अपना घर द्वार अच्छा से देके उसको सहयोग करेंगे हम लोग। ये आज ये चुनाव होने के बाद पहला हम आप लोग के बीच में आया है। इस राज को सजाना है, झारखंड को सजाना है, संवारना है। इसलिए हर धार्मिक स्थल हम लोग सुंदरीकरण करेंगे। आदिवासी का जिस तरह सुंदरीकरण हो रहा है धार्मिक स्थल, मूलवासी का भी हम हर धार्मिक स्थल को हम लोग सुंदरीकरण और सुरक्षा करेंगे। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार, हमारी सरकार झारखंड की जनता का दुख दर्द को समझते हैं। क्या जरूरत है, किस गांव में क्या जरूरत है योजना, किस मोहल्ला में क्या है, इसलिए हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम हम लोग चलाए थे, उसी तरह फिर हम लोग जुलाई से शुरू करेंगे कि कोई भी बच्चा कुजा जो समस्या है, हर समस्या का समाधान के लिए हम लोग फिर से उसी तरह अभियान चलाएंगे, ताकि एक एक जनता का दिल का दर्द ताकि हम लोग समझ पाए। इसीलिए तो हम लोग अलग झारखंड राज्य लिया है, ताकि यहाँ का जनता का दिल का दर्द, यहाँ का जनता का भूख का दर्द, यहाँ का जनता का जो भावना है, वही अनुकूल में हम लोग योजना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसा ठगने वाला और झूठ बोलने वाला हमारा सरकार नहीं है। इसलिए सभी आज जो हम आपका जो बीमारी को पकड़ने के लिए
आज जो हम लोग शुरुआत किया डीजी निदान, ये आप लोग कितना सोच है हमारा जिला के अंदर में। हम लोग डेली जाते हैं, हम लोग ये शरीर में बहुत तरह का बीमारी होता है, कोई शुगर है तो कोई प्रसार है, कोई मलेरिया से प्रभावित है तो कोई टीबी से, उसी तरह का आज हमने यहाँ पर शुरुआत किया। आपको अपना मोबाइल में आ जाएगा कि हमारा शुगर कितना है, कम है कि बेसी है, उस तरह की व्यवस्था ये हमारी सरकार, हमारी गठबंधन के सरकार, ठीक है, हर जनता का दुख दर्द समझने के लिए ये भी पहल किया गया। इसीलिए आज और भी हमारा प्रोग्राम है दूसरा जिला में, आज इसको आदर्श ग्राम और बहुत सा योजना हमने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, और इस राज्य के अंदर में सड़क का जहां जहां कमी है 15,000 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण शुरुआत हुआ है। यदि कहीं थोड़ा बहुत कमी रह गया है, ये भी आप लोग सामने रखिएगा। हर गांव अपना एक दूसरा गांव से संपर्क, एक दूसरा पंचायत से भी, पंचायत सचिवालय को भी हम लोग मजबूत करने जा रहा है। हर उप स्वास्थ्य केंद्र, हर पंचायत में एक दिन आपको 24 घंटा वहां फ्री आपको दवाई मिलेगा। ये सरकार ने ये भी अभियान के तरफ आपका बीज आने लाने जा रहा है, ताकि कोई भी परिवार दवाई के अभाव से उसका मृत्यु नहीं हो। इसलिए पूरा राज्य में हर पंचायत में ऐसा व्यवस्था होगा 24 घंटा वहां दवाई उपलब्ध रहेगा, हर तरह की। और डॉक्टर जिला से हफ्ता में उनका रोटेशन रहेगा ड्यूटी, हर स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र आएंगे, विजिट करेंगे, ताकि कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। इस जीवन को सुरक्षा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़ा जरूरी है, इसलिए ये भी हम लोग करने जा रहा। इसलिए कोई किसी का कमी नहीं होगा, मेरा पूरा विश्वास है। हम इसी धरती से झारखंड आंदोलन तक यहाँ तक हम पहुंचा है, हम एक एक गांव, एक एक मोहल्ला का समस्या वाकिफ है, और उसी अनुसार योजना भी बनेगी, और हर जरूरतमंदों को हम लोग उनका उसी मुताबिक योजना बना के झारखंड में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यहाँ का मूलवासी आदिवासी का, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, हम लोग हर परिवार को अच्छा शिक्षा देंगे, ऐसा शिक्षा का दिया जला देंगे, कभी बाद में वो किसी से ठगा नहीं जाएगा ये सरकार, ताकि एक एक विद्यार्थी को पीछे में विदेश तक हम लोग भेजा पढ़ाई करने के लिए, पढ़ करके आ रहा, बड़ा गौरव महसूस होता है जो लड़का इस साधारण गांव का, साधारण परिवार का, और विदेश हम लोग भेजा, एक पैसा विद्यार्थी को नहीं लगा, सारा खर्चा वहन किया सरकार। यही तो सरकार की सोच है, कभी झूठ हम लोग नहीं, जो कहते हैं वही करते हैं हम लोग। उन्होंने जाति न गए हे सीडराव कनापे माझी गोंके को, प्रायणिक गोंके को, बोया मिशे को, ना चुनाव बाद उन्होंने न मात को मेरा हाथू खोना ली एहोप किया, न दोन का हाथू नोड़े खोना गए डीबा की सुनत किन सार किन तेरंगा का, नवा दो नौका बन बेना हुआ मीन झारखंड दिशोम रे नवा दो अलग नवा आतू रिया परिचय तहन मा ओनाते 12 महीने दा चास लगी तहन मा शनाम गिद्र बेजबन पढ़ाव कुआ अड़ी नपाय राय रीत बन एहोबा आर नासा खोना नवा आतू बन बंचावा नवा मिट्टन मिसाल तहन मा सदै हापड़ाम को मैंने कहा
पर वनू लेकिन तीसो खरे आलम बोलो ना बांदी आलम जोटे दा बगन जाजुग लगी धोंदो बगिया मा उनाते नो हापड़ाम को काताली ले उठो का कना जो उन सेदाय हापड़ाम को ओल पड़ाव बाको तो है कना मेनखान को बढ़ाया जो उना तो चेत जिनिस कना उनाते जुदी उनको मायांग ठोप कना बोन उनको कथा बन बंचा दो होई मा तीसो आबो दो आबो आदिवासी दो जहां जाहे भीतर रेगे हापड़ाम को माराम बुरुबन जाहर दा तपांग दा मिनते तांगाड़ी बन दूला ओने के ताहिन मा ओना खुना के दिशों बंचा वकना ओना के बंचाव कते आउरी नासा पासा दो नवा दो बन बगिया अब वह लाई लक्चर रे तो बनवान मैंकन जुदी नितो होना जो बन अगुया एंकन बे बे ते अब दो तीसो धोन रिनी धोन बुझेर तो बबन हुई आ तीसो किसेर में ते तो बबन लिखा आ ओना ते नुआ दो सेदाय नुको सो सो बचर मारांग रे नुआ धरती रिया ओत को ठीके लिया लाई लक्चर को ठीके ला जनमायो आड़ां को ठीके ला आबो जुदी नुना नितों दो ओल पढ़ावे ना बोन कहानी कितबन पढ़ाविया नितों जुदी नुआ दिशों बाबन बंचाव दाड़े आ आतु बाबन चेहरा दाड़े आ इनका नुआ धरती रे आबो दो जनाम के बेकार उना दे सनाम कोठे आर्दा सालिंजा ताहेना मां जहां कुलिंज मेन किया तेहिं दो नुआ पे महीने बाद पर तो मात कम बेड़ा आतु खोन कमीली एहब किया आर नुआ नौका बन सजाओ नवा आतु मैं दिल लो रेंगे इराबा बन कोटा गिरी का आर नुआ आतु रे हरियर गे नुआ ओत बद होता है मा आर अब वह लाख लक्चर हो बंचा होता है मा मजिया खड़ा बंचा होता है मा आर अब वह जिधर पिदे वो सचेत गाते नुआ झारखंड दिसों चे भारत जगत रे उपरुम बन एमा मानवा के अलिया आपे तलर कथा तहेना साथीगण बहुत सा योजना हम लोग शुरुआत किया है झारखंड को सवारने के लिए जो लंबा समय भारतीय जनता पार्टी इस राज में सत्ता में रहा सिर्फ यहाँ का अस्तित्व को मिटाना यहाँ का सीएनटी एसपी को छेड़छाड़ करना उनका कभी आदिवासी का हित में नहीं था सोच ना मूलवासी का प्रति का सोच था ना यहाँ का बेरोजगार के प्रति में सोच था ना कहीं यहाँ का विद्यालय या यहाँ का विद्यार्थी के लिए सोच था। उनका समय तो डबल इंजन का समय 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था उसका सोच ताकि यहाँ का आदिवासी यहाँ का मूलवासी ताकि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन यहाँ हमारी सरकार गठबंधन के सरकार यहाँ का सामाजिक व्यवस्था यहाँ का आर्थिक स्थिति यहाँ का शैक्षणिक सुविधा सबसे प्राथमिकता लेके हम लोग पूरा झारखंड को अच्छा से संवारेंगे और एक दिन देश के अंदर में झारखंड में एक आदर्श राज के नाम से हम लोग परिचय देने में सफल लाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। देव किशोर अमर रहे।